नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा एक न्यू टॉपिक है, मेमोरी ट्रेनिंग के बेस्ट पे ही है, मेमोरी ट्रेनिंग के ऊपर ही है, कंट्री एंड करेंसी। जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, जो इस सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिस ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं, वो है कंट्री एंड करेंसी। किसी भी कंट्री की करेंसी कुछ मिनटों में ही याद हो जाएगी, ठीक है। आज के इस वीडियो में आपको 20 बताऊंगा, आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ 20 बताऊंगा। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ कि ना कि चीजें याद करा था, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताऊंगा कि चीजें किस तरह से याद करनी, जैसे मैंने अपने सारे वीडियो में बोला हुआ है उसी तरह से इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ ट्रिक बताऊंगा, ना कि मैं आपको याद कराऊंगा। एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ट्रिक बताने के लिए यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ आपको वीडियो ना कि रटवाने के लिए, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि आपको ट्रिक समझ में आए कि किस ट्रिक से इसको याद किया जा सकता है, ना कि इसको रटना है, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं एग्जाम में, एसएससी रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि बताइए इनकी करेंसी क्या है, कंट्री का नाम दे देगा और करेंसी पूछ लिया जाता है। तो आपको उस समय याद नहीं रहता, आप कितनी बार भी देखा हुआ क्वेश्चन आपने अटेंड कर सकते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा हुआ भी है रूस का रूबल होता है तो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप भूल जाते हैं, ठीक है। बस यही टेक्निक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि भूलना भूल जाओगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। टोटल हमारे यहाँ पे 20 है। अगर इसके बाद भी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तुरंत वहां पे जाके क्लिक करें और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। जैसे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होंगे, मैं वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा इसका, कंट्री एंड करेंसी का भी, पूरे जितने भी कंट्रिया है, पूरी की पूरी कंट्रीज की और उनकी करेंसी मैं पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा। और एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे मैंने इंटरेस्टिंग वीडियो बनाए हुए हैं मेमोरी ट्रेनिंग के बेस्ट के ऊपर। मैंने पीरियोडिक टेबल, बैंक एंड फाउंडर, बुक एंड ऑथर, जितनी भी सारी रिवर्स किस ओरिजिन से होती है, ठीक है, उनकी ओरिजिन्स और भी बहुत सारी चीजें मैंने उस मेमोरी ट्रेनिंग के अंदर बना के रखी हुई है। अगर आपको उसमें से कोई भी वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है या आपके लाभ होता है, आपको उससे प्रॉफिट होता है, तो तुरंत आप उसको देख लीजिए और सीख लीजिए, ठीक है। और एक चीज, जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर करें जिसको हो सकता है कि आपको इसके लिए ये बच्चे के लिए ज्यादा लाभदायक है, इसके लिए ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये 12th में है, 11th में, इससे प्रॉफिट होगा, आप उसको शेयर कर दीजिए। मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूँ कि आप वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आप चेक, पुर्तगाल, रूस, घाना, माली, सूडान, पेरू, बांग्लादेश, चीन, गुआन, यमन, मेक्सिको, ब्राजील, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, लाइन, पलाऊ, ईरान और उत्तरी कोरिया, इतना आज हम देखने वाले हैं 20 के 20। आइए देखिए जैसे 5 मिनट के अंदर हम किस तरह से इसको याद कर लेते हैं। पहले चेक का है, चेक का है कोसना, चेक का क्या है कोसना, कैसे चेक का कोसना हो सकता है, मैं कैसे याद किया, मुझे चेक से कोसना नहीं याद आता है, मुझे चेक से कुछ और याद आता है। जैसे कि मैंने अपने हर ट्रेनिंग में बताया हुआ कि मैं दोनों वर्ड से कुछ ना कुछ तो कॉमेडी इमेज बनाता हूं और उसको इंटरकनेक्ट कर देता हूं। तो देखिए किस तरह से, यही ट्रिक मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि पहले हमको कॉमेडी इमेज बनानी है, फिर उसको फनी रिलेट कर देना है। एक बार कॉमेडी इमेज बना लिया, फनी रिलेट करा दिया, चीजें याद हो जाती है। बट अगर आप दूसरी ट्रिक को देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही चीज याद करा जा सकती है, आपको सिर्फ चेक से पूछना किस तरह से करना है, करा देते हैं बस और कुछ नहीं। बट यहाँ पे मैं आपको ट्रिक और एक चीज, मेरी सबसे खासियत चीज इसमें यह है कि इनके जो मैं कॉमेडी इमेज बनाता हूँ, ये जो कंट्रीज है वो मुझे हमेशा सेम मिलते हैं। मैं आप देखेंगे मेरे पिछले वीडियो मैंने करेंसी कंट्री एंड कैपिटल्स भी बनाया हुआ, तो कंट्री एंड कैपिटल्स भी आप देखेंगे तो मैं वही वर्ड भी यहीं पे यूज करने वाला जो वहां पे यूज किया हुआ है। तो चेक, आइए देखिए, अब यहाँ पे आप ध्यान देखिए, फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। देखिए चेक कोसना, तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपको चेक मिला हुआ है, आपने बहुत समय तक जॉब किया, जॉब के बाद आपको एक चेक मिला और उस चेक में था होल, क्या था होल, और जब आपने बैंक के पास गया उस चेक को दिखाया, इमेजिन करिए, इमेजिन जितना ज्यादा इमेजिन करेंगे उतना ज्यादा चीजें याद रहेंगी। आपने चेक बैंक को दिखाया, बैंक वाले ने ऐसा किया और ऐसा उंगली डाला तो होल है, तो आपने उसने आपको बोला सॉरी, फिर आप उसको कोस रहे हो, यार क्यों उसको उस समय मैंने नहीं देखा, कोस रहे हो, क्या कर रहे हो, कोस रहे हो, उसको कोस रहे हो कि मैं उसमें अगर देख लिया होता या उसको गाली दे रहे हो कि उसने फटा हुआ चेक मुझे दे दिया, तो आप क्या कर रहे हो, उसको कोस रहे हो, क्यों, क्योंकि उसने चेक दिया जिसमें होल था, ठीक है। तो चेक कोसना याद है आपको, ठीक है। अब मैं स्टोरी छोटा बताऊंगा क्योंकि ज्यादा स्टोरी लॉन्ग हो जाते हैं तो आपको समझने में दिक्कत होती है, स्टोरी छोटा बनाएंगे, ठीक है। पुर्तगाल एस्क्यूडो, पुर्तगाल एस्क्यूडो कैसे हो सकता है, आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि पिताजी अपने पुत्र के गाल, पिताजी पुत्र गाल, पुर्तगाल पुत्र गाल, तो पिताजी अपने पुत्र के गाल पे एक चमाट मारे, बोले क्यों मारे, उन्होंने पूछा क्यों, क्योंकि उसने लड़के ने क्या किया था, अपने डैडी का स्कूटर, एस्कूडो से क्या हो जाएगा,
स्कूटर, अपने डैडी का स्कूटर लेके चले गया था, इसलिए पिताजी ने पुत्र के गाल पे लाफा मारा। ठीक है, किसने? पिताजी ने पुर्तगाल, पुत्र के गाल पे क्या मारा? झापड़ मारा। क्यों मारा? क्योंकि उसने उनका स्कूटर एस्कूडो, ठीक है, स्कूटर लेके गया, इसलिए तो करेंसी। पुर्तगाल की कौन सी करेंसी? एस्कूडो। नेक्स्ट रूस, रूस, रूस मतलब रूसना, रू रूबल, तो रूस मतलब रूसना, रूबल से बल, दो वर्ड बन गया, दोनों को कनेक्ट कर लेते। देखो जब आप ज्यादा रूस जाते हो, रूसना मतलब रूठ जाते हो, जब आप ज्यादा रूस जाते हो तो आप बहुत ज्यादा बल दिखाते हो। अगर आपसे किसी को आपसे झगड़ा हुआ, आप बहुत ज्यादा रूस गए, नाराज हो गए, फिर आप बल दिखाते हो, क्या दिखाते हो? बल। ये तो रियलिटी है, ठीक है, रूस बल। तो रूस का क्या करेंसी जाएगा? रूबल। नेक्स्ट घना, आप एक घना जंगल में हो, यहां से घना और यहां से कैंडी, अब देखिए किस तरह से मैं उठाता हूं, ठीक है, केड़ी, तो यहां से घना, तो घने जंगल में आप कैंडल जला रहे हो, घने जंगल में आप क्या कर रहे हो? कैंडल जला रहे हो, तो कैंडल से क्या हो जाएगा? केड़ी, ठीक है, कैंडल जला रहे हो। नेक्स्ट माली फैंक, माली फैंक, तो आप एक माली अपने बगीचे में काम कर रहा था, आपने वहां से फूल तोड़ लिए, ठीक है, क्या किया आपने? फूल तोड़ लिया, माली ने देख लिया, आपको बगीचे से भगा दिया और आप गुस्से में आए, वहां पे एक पत्थर रखा था, पत्थर उठा के फेंका, क्या किया? फेंका, किसके ऊपर? माली के ऊपर, आपने फेंका, क्या किया? फेंक दिया, आपने पत्थर उठाया और फेंक दिया माली के ऊपर, तो फेंक, ठीक है, माली फेंक, इस तरह से। आप इमेजिन करिए स्टोरी, जैसे आप कभी माली सुनेंगे तो आपको तुरंत फेंक याद आएगा, क्योंकि माली बगीचे में काम करता है, आपने फूल तोड़ा और आपको गुस्सा आया, उसने भगाया आपको, इसलिए आपने क्या किया? पत्थर फेंक के मारा, फेंक के मारा। सुडान, सुडान पाउंड, तो यहां से मैं डॉन उठाता हूं, यहां से पाव उठाता हूं, तो डॉन पाव, सुडान डॉन पाव, तो जो डॉन होते हैं वो क्या खाते हैं? पाव खाते हैं, क्या खाते हैं? पाव, तो पाव से क्या हो जाएगा? पाउंड। डॉन से क्या हो जाएगा? सुडान। नेक्स्ट पेरू, न्यू सोल, न्यू सोल, आप ऐसा इमेजिन करिए, अब से मैं सैंडल में सोल नहीं लगाऊंगा, अब मैं अपने पैरों में सोल लगाऊंगा, कहां पे? अपने पैरों में सोल लगाऊंगा, तो पैर, पेरू, न्यू सोल, अब मैं अपने पैरों में सोल लगाऊंगा, न्यू सोल, नया सोल अपने पैरों में लगाऊंगा, ना कि सैंडल में लगाऊंगा, तो पैरों से न्यू सोल, ठीक है। बांग्लादेश का जो क्या करेंसी होता है? टका होता है, ठीक है, टका, तो बांग्लादेश टका, तो अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो बांग्लादेश टका, आप एक न्यू बांग्ला देख रहे हो, आपके देश में बंगला बना हुआ है और आप उसको इतनी बुरी तरह से देख रहे हो, एकदम टका टक बोलते हैं ना, एकदम टका टक, टकी टका बोलते हैं, ठीक है, या फिर टका टक देख रहे हैं आप उसको, या तो वो बंगला जो है एकदम टका टक बना हुआ है, आपने एक देश में, सपोज आपने एक देश में बंगला बनवाया जो एकदम टका टक है, क्या है? एकदम टका टक है, तो टका टक से टका, ठीक है। नेक्स्ट चीन, चीन, चीन का मैंने आपको बताया था चीनी, ठीक है, चीन का चीनी था, बांग्लादेश का बंगला था, देखिए कोई भी वर्ड चीन नहीं हुआ है, एक ही वर्ड से सारी चीजें बन रही है। चीन, चीनी, चीनी लोग, चीनी आजकल युवा लोग पसंद करते हैं, जो चीनी होता है, चीनी को खाना कौन पसंद करता है आजकल? युवा, कौन पसंद करता है? युवा, तो युवा से क्या हो जाएगा? युवा, ठीक है, युवा लोग चीनी खाना पसंद करते हैं। अब क्या दिया? गुआम, गुआम से मैंने बताया था आम, ठीक है, तो गुआम आम, वहां पे गुआम का कैपिटल क्या बताया था मैंने? आप मुझे कमेंट करेंगे गुआम का कैपिटल मैंने क्या बताया था, ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जो मैंने कैपिटल वाला बताया था, तो मैंने वहां पे गुआम से आम बताया था, आम कहां पे लगा हुआ? आंगन के पेड़ में लगा हुआ है, तो आंगन से क्या बनता है मुझे आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट करिए। गुआम, आप अभी यहां पे ऐसे इमेजिन कीजिए कि आम जो है आप डॉल को खिला रहे हो, किसको? डॉल, डॉल होती है ना छोटी सी, तो आम किसको खिला रहे हो आप? डॉल को, ऐसा इमेजिन करिए कि डॉल छोटी सी बैठी हुई है और उसको आप क्या क्या खिला रहे हो? आम, जब तक इमेजिन नहीं करेंगे याद नहीं होगा, इमेजिन करिए कि आप आम किसको खिला रहे हो? डॉल को, तो आम गुआम डॉल। यमन, रियल, सीधी सी बात है दोनों पर, यहां से मन, यहां से रियल, तो रियल और मन, अब आप ऐसा, अब आप ऐसा बोलिए कि आप जिसे प्यार करते हो, ठीक है, अब उसको आप ऐसा बोलिए, सच्ची में अब मैं मन से तुमसे रियल में प्यार करता हूं, मन से तुमसे रियल में प्यार करता हूं, ठीक है, आप लोग महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, आप रियल में प्यार कर रहे हैं, आपने उसको बोला कि अब मैं मन से तुमसे रियल में प्यार कर रहा हूं, ठीक है, तो ये हो गया यमन का रियल, ठीक है, रियल, यमन का रियल। मैक्सिको, मैक्सिको का क्या है? पीसो, अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि मैक्सिको, तो मैंने मैक्सिको क्या बताया था? मैक्सी, आप एक मिनट में कैपिटल याद कर, तो क्योंकि मुझे कैपिटल याद आती है तुरंत,
और जबकि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई इस चीज की, तो मुझे इतना गारंटी है कि आपको भी चीजें तुरंत याद आती रहेंगी अगर आपने देखा रहेगा। तो मैक्सिको, उस पिछले वीडियो मैंने कैप्टन ने बताया था कि मैक्सी पहन के घर में मत घूम, सिटी में जा। मैक्सी पहन के घूमना है तो घर में मत घूम, सिटी में जा। तो बताइए मैक्सिको की क्या हुई, क्या कैपिटल हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे मैक्सिको क्या है, देखो, मैक्सी पहन के मसाला मत पीस, मैक्सी पहन के मसाला मत पीस, तो पीस से पीसो। नेक्स्ट ब्राजील, ठीक है, ब्राजील रियल, ब्राजील रियल, ब्राजील को अगर बार बार रीड करेंगे तो यहां से बाजी आता है, क्या आता है, बाजी। अब मैं तुमसे रियल में बाजी लगाऊंगा, क्या करूंगा, बाजी मतलब होता है चैलेंज, ठीक है, गांव वाले लैंग्वेज में बोला जाता है बाजी, ठीक है। तो ब्राजील, तो बाजी, अब मैं तुमसे रियल में बाजी लगाऊंगा, ठीक है, चैलेंज करूंगा, बाजी, तो अब मैं तुमसे रियल में बाजी लगाऊंगा। नेक्स्ट चिली, चिली, आज चिकन चिल्ली बनने वाली है इसलिए मसाला क्या करो, पीसो, मसाला क्या करो, पीसो, चिल्ली बनने वाली है, चिकन चिल्ली बनने वाली है, मसाला पीसो। ये तो मेरे ख्याल से सबको याद हो गया रहेगा। नार्वे, क्रोन, नार्वे का है क्रोन। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप, हम दोनों घूमने जा रहे थे हम दोनों, और मैंने आपको बोला कि चल अब नाव को कोने में लगा, कहां पे लगा, नाव को कोने में, नाव कहां लगा, कोने में, तो क्रोन, ठीक है। नेक्स्ट फ्रांस, फ्रांस का है फ्रैंक। तो आप फ्रांस का फ्रैंक कैसे को देखिए, आप बहुत जल्दी फंसा लेते हो, आप बहुत जल्दी फंसा लेते हो, फ्रांस का फंसा लेते हो, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो फ्रांस का फंसा, आप बहुत जल्दी फंसा लेते हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा फ्रैंक हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्या हो, फ्रैंक हो, इसलिए आप जल्दी फंसा लेते हो, तो आप बहुत ज्यादा क्या हो, फ्रैंक हो। नेक्स्ट ताइवान, क्या है ताइवान, तो ताइवान का क्या है, डॉलर। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ताई जी वैन में बैठ के डॉल को मार रही है, डॉल को क्या कर रही है, मार रही है। तो ताई वैन में, वैन ताई, ताई जी वैन में बैठी हुई है, डॉल को फेंक दिया या डॉल को बाहर फेंक दिया, डॉल को मार रही है। तो ताइवान जब आप देखेंगे आपको तुरंत डॉलर याद आएगा, तो ताइवान का करेंसी क्या है, डॉलर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पलाऊ, पलाऊ का डॉलर। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए, पलाऊ से होता है पुलाव, ठीक है, पुलाव, पुलाव, पुलाव आप डॉल को खिला रहे हो, किसको खिला रहे हो, डॉल को। तो पलाव आप किसको खिला रहे हो, पुलाव डॉल को खिला रहे हो, कितना ज्यादा इजी है, ठीक है। ईरान, ईरान का क्या है, रियल। तो ईरान आयरन, ईरान का मैंने बताया था आयरन, आयरन रियल। अब आप इसका बना के दिखाएंगे मुझे, नीचे कमेंट करेंगे ईरान का क्या है, ईरान का रियल कैसे बना सकते हैं। उसके बाद उत्तर कोरिया, ठीक है, मैं ईरान का बता देता हूं, उत्तर कोरिया का आप मुझे बताएंगे। चलिए ईरान, आयरन रियल, आयरन, आयरन, इसको ईरान का मैंने बताया था आयरन, आयरन रियल, मैं सच में दौड़ रहा हूं, आप मुझे देखें, रियल में, मैं रियल में दौड़ रहा हूं, ऐसा बनाइए। ईरान आयरन, मैं रियल में, रियल, रियल, ठीक है, मैं रियल में दौड़ रहा हूं, ऐसा आप बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कुछ अगर इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है तो आप कमेंट प्लीज मुझे करिए, मुझे देखना है कि आप कितना अच्छा बना पाते हैं, ठीक है। उत्तर कोरिया के बैन आप मुझे बना के दिखाएंगे, नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। देखिए पहला चेक, चेक का क्या है, कोसना, ठीक है, चेक का क्या है, कोसना, क्यों, क्योंकि चेक में होल है तो आप इसको क्या कर रहे हो, कोस रहे हो। पुर्तगाल, पुर्तगाल का क्या है, पुर्तगाल, पुर्तगाल, पुत्र के गाल पे पिता ने मारा, क्यों, क्योंकि उसका स्कूटर लेके भाग गए थे। नेक्स्ट रूस, रूस, रूस का क्या है, रूसना, रूसना, फिर भी आप बल दिखा रहे हो, रूबल, ठीक है। तो आप घना, घना में आप क्या कर रहे हो, कैंडल जला रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट माली, माली को आप क्या कर रहे हो, पत्थर फेंक के मार रहे हो, फैन। सूडान, डॉन, ठीक है, डॉन क्या खाता है, पाव, डॉन हमेशा क्या खाता है, पाव, पाउंड। नेक्स्ट पाउंड हो गया। पेरू, पेरू, न्यू सोल, ठीक है, अब मैं पैर में न्यू सोल पहनूंगा ना कि सैंडल में। बांग्लादेश, टका, बांग्लादेश का क्या है, टका, अब टकाटक बांग्लादेश, टकाटक बांग्ला, बंगला आपने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट चीन, चीन के लोग को क्या पसंद है, चीनी, सॉरी, चीनी किसको पसंद है, युवा लोग को पसंद है, ठीक है, युवान, चीनी युवा लोग को पसंद है। गुआम, आम किसको खिला रहे हो, आप डॉल को खिला रहे हो। यमन, यमन, मन, अब मैं रियल में आपसे प्यार करता हूँ, रियल, मन से प्यार करता हूँ, मन, रियल। मैक्सिको, मैक्सी पहन के मसाला मत पीसो। ब्राजील, ब्राजील मतलब बाजी, अब मैं बाजी तुमसे रियल में लगाऊंगा, ठीक है, बाजी। नेक्स्ट चिली, चिली, चिकन चिली बनने वाली है, मसाला पीसो। नार्वे, नार्वे, नाव को कहाँ लगा दो,
कोने में लगा दो। फ्रांस, फ्रांस का क्या है फ्रैंक, आप फ्रांस फंसा लेते हो फटाक से क्योंकि आप बहुत ज्यादा फ्रैंक हो। ताइवान, ताई क्या कर रही है वैन से, डॉल को बाहर फेंक दे रही है। पुलाव, पुलाव क्या है आप किसको खिला रहे हो, डॉल को खिला रहे हो। ईरान, आयरन रियल में दौड़ रहे हो। उत्तरी कोरिया का वैन, आप मुझे बताएंगे उत्तरी कोरिया का, ठीक है। तो ये देखिए कितना फटाफट याद भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया, 15 मिनट लगे रहेंगे इसमें भी। अगर इसी टॉपिक की बात की जाए तो जस्ट 7 से 8 मिनट लगे हुए हैं, टोटल 20 याद हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसी तरह से अगर मैं पूरा कंट्री का बता दूं, मैं आपको याद करा सकता हूं, तो आप विश्वास करेंगे, क्योंकि इतने कम समय में अगर 20 कर सकते हैं तो 1 घंटे मेरे ख्याल से पूरी कंट्री आप कर सकते हो, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे और नीचे टेलीग्राम पे जाके लिंक पे क्लिक करके मुझे टेलीग्राम पे मिलेंगे, ताकि मैं आप लोग को वहां पे पीडीएफ अवेलेबल करा पाऊं, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेके, ठीक है। और एक चीज, अगर आप लोग कुछ भी याद करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करिए कि कोई भी चीज याद करने में तकलीफ होती है या उससे बाहर नहीं हो पा रहा है तो मुझे कमेंट करें, मैं उस चीज की टेक्निक बनाऊंगा और आपको एक वीडियो के थ्रू बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी चीज रहना तो आप मुझे बस बेफिक्र होकर कमेंट करें, अगर उस चीज की ट्रिक बन सकती है तो मैं तुरंत आपको बना के अवेलेबल करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है, चलिए।